नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं DJI Phantom 4 Pro V2 Plus या अन्य कोई भी मॉडल जिसके साथ रिमोट कंट्रोल में ये डिस्प्ले वाला मॉडल आता है। तो एक हमारे जो फैंस हैं उन्होंने हमारे कमेंट करके बोला था कि हमें इसमें से डाटा सेव हो जाता है, उसको डाटा ट्रांसफ़र कैसे करें और मोबाइल में कैसे लें। तो दोस्तों आज ये वीडियो इसी के बारे में होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलो शुरू करते हैं। डाटा है जो अच्छी क्वालिटी में और अच्छे पिक्सल में रिकॉर्ड होता है, वो हमारा डाटा हमारे एयरक्राफ्ट के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होता है, जो कि हमारा रिमोट कंट्रोल में या मोबाइल में डाटा सेव नहीं होता। तो आप सबसे अच्छी क्वालिटी का कार्ड यूज करें, जैसे कि ये हमारा कार्ड है सैंडिस्क का एक्सट्रीम का, 190 MB/s का कार्ड है ये। इसमें अच्छे से प्रॉपर वर्क करेगा। इसमें 4K रिकॉर्डिंग या Plex रिकॉर्डिंग आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे रिमोट कंट्रोलर या हमारे मोबाइल में जो डाटा सेव होता है वो केवल प्रीव्यू के लिए अच्छा होता है, और उसमें जो भी क्वालिटी होती है बहुत ही कम क्वालिटी, कम पिक्सल्स और फाइल साइज बहुत ही कम होता है। तो ज़्यादातर डाटा हम अपना मेमोरी कार्ड से ही लें। तो दोस्तों डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है जो है डाटा केबल द्वारा, जो हमारे रिमोट जब हम ड्रोन परचेज करते हैं तो उसके साथ एक डाटा केबल आती है ये वाली, इसको बोलते हैं LG 3500 वाले मॉडल की, जो पहले मोबाइलों में यूज की जाती थी। आपके मोबाइलों में तो टाइप सी आ रहा है, मगर पहले में ये LG 3500 वाली डाटा केबल आती थी ये वाली। तो इससे हम कंप्यूटर में कनेक्ट करा के डाटा स्टोर करके मोबाइल में ले सकते हैं। तो दोस्तों और दूसरा है अपने वाईफाई के द्वारा, वाईफाई से यानी अपने मोबाइल में एंड्रॉयड मोबाइल हो या iOS हो, उसमें कोई भी ऐसा ऐप डाउनलोड करके जैसे शेयर करो वगैरह हो गया, शेयर एड वगैरह जो तो बंद हो गया चाइनीज ऐप थे, और जो इंडियन ऐप आ रहे हैं शेयर करो वगैरह, उनसे हम वाईफाई के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देख रहे होंगे ये हमारे हाथ में V2 Plus का रिमोट कंट्रोलर है, जिसका डाटा हमारे रिमोट कंट्रोल में सेव होता है और ये ड्रोन के मेमोरी कार्ड में। जो मुख्य डाटा होता है अपना हाई क्वालिटी में सेव होता है वो अपने ये मेमोरी कार्ड में होता है, और जो लो क्वालिटी में सेव होता है वो अपने रिमोट कंट्रोलर कि ये डिस्प्ले वाला है उसमें एंड्रॉयड में सेव होता है। जो हमारे रिमोट कंट्रोल में डाटा सेव होता है वो कुछ ऐसे इस तरीके से दिखाई देता है, ये वाला है जो हमारा डाटा जो हमारे रिमोट कंट्रोल के में सेव हुआ है। तो दोस्तों हम आज इसी बारे में बात करेंगे इस डाटा को हम इस रिमोट कंट्रोल से कैसे निकालें और कैसे अपने मोबाइल में या मेमोरी कार्ड किसी अन्य जगह कॉपी करें। आपको डाटा ट्रांसफर डाटा केबल के द्वारा करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा डाटा केबल्स, ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोलर। तो हम सबसे पहले हम डाटा केबल्स को खोल दें। अब इसे हम जो रिमोट कंट्रोलर ना उसमें जो अपडेट करने वाला या जो भी पोर्ट आता है उसमें हम लगाते हैं। ये हमने लगा दिया। दोस्तों अब हम अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं इसको, कंट्रोल को चालू कर लेंगे। चालू करने के बाद फिर इसमें डाटा केबल लगा के फिर अपने CPU या लैपटॉप वगैरह जो भी है उससे हम कनेक्ट कराएंगे। अब इस डाटा केबल को हम अपने CPU से कनेक्ट कराते हैं। तो रिमोट कंट्रोल में ऊपर की तरफ से स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, तो इसमें USB कनेक्टेड वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आपको टर्न ऑन USB स्टोरेज करना है। टर्न ये आपको दिखाई दे रहा होगा टर्न ऑन USB कनेक्टेड, और टर्न ऑन USB स्टोरेज इसको ऑन करते हैं। ये अपना ऑन हो रहा है, इसको ओके कर दीजिए। तो दोस्तों अब ये हमारा इसका स्टोरेज हमारे डेस्कटॉप में शो करने लगा है। देखिए ये DGI ड्राइव जी में खुल गया अपना। तो दोस्तों अपने टर्न ऑन USB स्टोरेज पर क्लिक करते हुए ये हमारे डेस्कटॉप में शो करने लगा है ड्राइव जी के नाम से इसका स्टोरेज शो करने लगा है। तो हम इसमें से डाटा कॉपी कर सकते हैं, इसमें से डिलीट कर सकते हैं, और अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लेके डाटा मेमोरी कार्ड या मोबाइल वगैरह किसी भी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ड्राइव जी शो कर रहा है, हम अब इस ड्राइव को खोलेंगे। अब इसमें ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में दिखाई देते हैं ना उसी तरीके से सेम इसका
जो यूआई है उसी तरीके से इसका जी खुलेगा। तो उसमें इसमें ऑप्शन आ रहा होगा DCIM, DCIM के जस्ट नीचे DGI, तो हमको जाना है DGI में। DGI पर क्लिक करेंगे, फिर उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है DGI पायलट PAD, तो इस पर हमें फर्स्ट वाले पर ही क्लिक करना है। फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमको आएगा पहला कैच इमेज, दूसरा डेटाबेस, तीसरा DGI रिकॉर्ड, तो हमको DGI रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। जो भी हमने डाटा अपना ड्रोन फ्लाई करते समय रिकॉर्ड किया था वो अपना सारा यहाँ पे शो करने लगेगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे हम इसको इतना डाटा हमें चाहिए इसको हम कॉपी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जहाँ पर हम सेव करना चाहते हैं उस जगह पर अपना फोल्डर बनाएंगे, वहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। हमने ये न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर बना लिया, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर डाटा कॉपी हो चुका है, अब हम इसको प्ले करके देंगे तो ये हमारा डाटा जो हमने रिकॉर्ड किया था ये आपको चलते हुए दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे कॉपी हो चुका। दोस्तों इसी तरीके से हम इस डाटा को यहाँ से अपने रिमोट कंट्रोल्स में से डिलीट भी कर सकते हैं। हम वहीं पे लौट के जाएंगे अपने ड्राइव में, जो हमने हमारी विंडो खोली थी वो क्लोज हो चुकी है, हम दोबारा से खोलेंगे। तो ये हम DGI पायलट और इसके बाद DGI रिकॉर्ड, तो ये आ गया ना। हम ऐसे इसमें कोई भी क्लिप डिलीट करना चाहें या सारी करना चाहें तो सबको सेलेक्ट कर लेंगे, और जो या कोई भी डिलीट करना चाहें तो उनको सेलेक्ट करेंगे। ऐसे यानी हम इन दो क्लिपों को डिलीट करना चाहते हैं तो इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा ड्रोन का रिमोट कंट्रोलर स्पेस फुल हो जाता तो हम इस तरीके से भी खाली कर सकते हैं और अपने रिमोट कंट्रोल में से एंड्रॉयड मोबाइल की तरह उसमें से भी डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारा डाटा रिमोट कंट्रोलर या मोबाइल में सेव होता है वो हमारा फॉर्मेट बहुत ही कम साइज पे लगा होता है, बहुत ही कम क्वालिटी में आता है। दोस्तों हम इसकी प्रॉपर्टी आपको चेक करके बताते हैं। इसका ये पायलन अपनी 17.4 MB की है। तो दोस्तों इसका साइज है 1280x720, तो ये 720 MP फोर में रिकॉर्ड हुआ है। दोस्तों सबसे अच्छी क्वालिटी बेहतर चाहिए तो आपको एयरक्राफ्ट में ही कार्ड लगा के डाटा कॉपी करें, वही सबसे बेस्ट है। इसमें तो अपना जो है ना हम अपना प्रीव्यू के लिए अच्छा रहता है इसमें। तो डाटा ट्रांसफ़र करने का सेटिंग में जाना है आपको, माय एप्लीकेशन में जाना है और अपना यहाँ से वाईफाई कनेक्ट करा लेना है और ब्राउज़र से अपना ऐसे कोई भी शेयर करो वगैरह ऐप डाउनलोड करके इसे शेयर करो। ये एंड्रॉयड ऐप डाल के अपने मोबाइल में भी ऐप इंस्टॉल कर लें और इस रिमोट कंट्रोल में इंस्टॉल कर लें और इसके द्वारा भी अपना अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। और एक और है इसमें जो रिमोट कंट्रोल में इंक्लूड दिया जाता है ये वाला डी ट्रांसफ़र, तो दोस्तों आप इसके द्वारा भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके लिए आपको ये डाटा ट्रांसफर ये वाईफाई ओपन इसको ऑन करना पड़ेगा, ये ऑन हो जाएगा अपना। इस सेटिंग में जाना है, ये नन पे रखना है आपको और आपको इसमें बता दें ये पास में इसमें सबसे पहले आपको इनेबल पेंटम डाटा ट्रांसमिशन मोबाइल में जाके वाईफाई ऑन कर लेनी है और ये कनेक्ट करा लेना है, फिर आपका नेटवर्क आ जाएगा कनेक्ट, फिर आपको इससे कनेक्ट करा लेना है। तो दोस्तों आप इस तरीके से इससे भी इस विधि को भी अपना के अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। और दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका डाटा ट्रांसफ़र करने का डाटा केबल के द्वारा ही अच्छा है, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह डालने से आपका रिमोट कंट्रोलर वसूल हो जाता है। इसकी स्टोरेज 4 GB की स्टोरेज आती है ओनली, उसमें आप डाटा भी सेव करेंगे और ज़्यादा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो इसका स्टोरेज फुल होने लगेगा तो आपका डिस्प्ले है ना वो एंग करने लगेगा। दोस्तों सबसे बेहतर और आसान तरीका डाटा ट्रांसफ़र करने का, आप हमेशा केबल से ही डाटा ट्रांसफ़र करें। और दोस्तों आपकी स्टोरेज फुल हो जाती है, आपको रिमोट से ही डाटा क्लियर करना है तो इसका आपको सेटिंग में जाना है, ऑल एप्लीकेशन में जाना है, गैलरी में जाना है, या आपका जो भी डाटा आपका खुल के आ जाएगा। आप जिन फाइलों को डिलीट करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट आइटम्स
जो भी हैं उनको जितना सेलेक्ट कर लेंगे उसको, उसके बाद सेलेक्ट कर लें, फिर आपको डिलीट वाला बटन है, डिलीट भी कर सकते हैं आगे, ऐसे डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों बस वीडियो में आज के लिए इतना ही था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आप डाटा ट्रांसफ़र डाटा केबल से कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपकी डाटा केबल्स ओरिजिनल होनी चाहिए, या आपके जो भी एयरक्राफ्ट है उसके साथ में जो डाटा केबल दी थी उसका ही यूज करें, लोकल डाटा केबल्स का यूज ना करें, कि अन्यथा उनके स्लॉट पिंस खराब हो जाती हैं, तो रिमोट कंट्रोल में चेंज कराने में बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस खर्चा आता है। तो ज़्यादातर डाटा ट्रांसफ़र डाटा केबल से ही करें, वाईफाई या अन्य एप्लीकेशन डाउनलोड करके इनको डाटा को ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि इनसे इनमें वायरस आने की प्रॉब्लम रहती है और स्टोरेज फुल होने लगती है और आपका रिमोट कंट्रोल है जो लैग करने लगता है। तो दोस्तों ज़्यादातर डाटा केबल से डाटा ट्रांसफ़र